हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आई होप दैट यू आर ऑल वेल। लास्ट टाइम हमने अडाप्टेशन इन एरियल एनिमल्स पढ़ लिया था, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अडाप्टेशन इन रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स मीन्स विच एनिमल्स? तो रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड, स्नेक। तो रेप्टाइल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो रेंगते हैं, क्या करते हैं, रेंगते हैं, उनको हम कहेंगे रेप्टाइल्स। ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ स्नेक्स एंड अर्थवर्म्स क्रीप। तो हमको दूर से ही देखना है कि स्नेक्स और अर्थवर्म, मतलब अर्थवर्म तो आपको पता ही है, अर्थवर्म केंचुआ, ठीक है, तो स्नेक्स तो आपको पता ही है, तो ये कैसे क्रीप करते हैं, रेंगते कैसे, विच ऑर्गन डू दे यूज फॉर क्रीपिंग। तो वो कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं क्रीपिंग करने के लिए। आर देर एनी स्पेशल चेंजेस फॉर दैट पर्पज? नोट एनी सच चेंजेस। तो ये स्नेक्स में, अर्थवर्म्स में क्रीप करने के लिए, रेंगने के लिए कोई स्पेशल चेंजेस आए हैं, कुछ स्पेशल अडाप्टेशन आए हैं क्या, वो चेक करना है। तो देखिए, पहले जो लिजर्ड्स, जो लिजर्ड है, लिजर्ड है, आप देखिए पिक्चर दी है हमको लिजर्ड की। तो लिजर्ड क्या होती है, जिसे आप लोगों को पता है, लिजर्ड यहाँ पे पिक्चर में दी है, दिस इज लिजर्ड, ठीक है। तो ये लिजर्ड कैसी रेंगती है, उसके दो हाथ आगे होते हैं, दो पैर पीछे होते हैं, तो दोनों हाथों से ये आपको घर में भी दिखी, हमारे दीवार के ऊपर वो चढ़ती रहती है, तो वो चलती रहती है, ठीक है। देन साथ में एक हाउस लिजर्ड होती है, एक गार्डन लिजर्ड होती है। हाउस लिजर्ड मतलब घर में जो छिपकली होती है, और गार्डन लिजर्ड मतलब जो गार्डन में हमको जो मिलता है, लिजर्ड जैसे दिखाई देता है हमको, पता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गार्डन लिजर्ड कहते हैं, ठीक है। तो वो जैसे हम, तो वो और ये वाला जो एनिमल है, ये दोनों कैसे ग्रिप करते हैं, तो इनके जो हाथ और पैर है, तो हाथ और पैर ये देखिए, दोनों आप दोनों दो सामने हाथ है, दो पैर पीछे है, तो ये यहाँ पे इनके हाथों और पैरों को जो सोल्स रहते हैं, ये सोल्स में अडाप्टेशन आए, ये सोल्स में क्या है, अडाप्टेशन आए, इसके वजह से ये जो छिपकली होती है, ये दीवार के ऊपर ईजिली चढ़ सकती है, कहीं पे भी जा सकती है, तो उस तरह के चेंजेस, दैट इज अडाप्टेशंस, हमको हाउस लिजर्ड में दिखाई देते हैं। उसी तरह से गार्डन लिजर्ड जो होती है, उसका कलर चेंज होते रहता है, गार्डन लिजर्ड का क्या चेंज होते रहता है, कलर चेंज होते रहता है, इस तरह के चेंजेस हमको वहाँ पे दिखाई देते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट स्नेक्स है। तो स्नेक्स और ये जो अर्थवर्म्स है, जब ये क्रीप करते हैं, तो क्रीपिंग करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो ये क्रीपिंग करने के लिए खुद के मसल्स का यूज़ करते हैं स्नेक्स, और ये जो अर्थवर्म होता है, क्रीपिंग करने के लिए, रेंगने के लिए, जब वो अलोंग द ग्राउंड चलते रहते हैं, तो दैट इज़ क्रीपिंग करना बोलते हैं उसको, तो उसके लिए वो किसका यूज़ करते हैं, तो खुद के, उनके बॉडी के अंदर जो मसल्स है उसका यूज़ करते रहते हैं। एनिमल्स लाइक हाउस लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल यूज़ देयर मसल्स फॉर क्रीपिंग। तो ये जो हाउस लिजर्ड्स है, गार्डन लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, ये सभी एनिमल्स क्रीपिंग करने के लिए उनके मसल्स का यूज़ करते हैं। सिमिलरली दे शो अडाप्टेशन इन द स्किल्स, इन द स्किन, सोल्स ऑफ फीट, बॉडी कलर। सिमिलरली उनके स्किन में, उनके सोल्स ऑफ फीट और बॉडी कलर में अडाप्टेशन आया। तो बॉडी कलर मतलब आप जैसे गार्डन लिजर्ड है, आप लोगों को पता है गार्डन लिजर्ड मराठी में जिसको हम सरडा कहते हैं, ठीक है, तो वो जो गार्डन लिजर्ड होता है उसका कलर चेंज होते रहता है, वो जिस झाड़ के पास जाता है उस तरह सा, उस तरह का वो कलर चेंज कर देता है। देन हाउस लिजर्ड, अभी जैसे मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, उसके जो पैरों, हाथ और पैरों के जो सोल्स है, वहाँ पे चेंजेस आए हैं, अडाप्टेशन हुआ है कि वो हमारे जो घर की जो दीवार है, दीवार को भी, दीवार के ऊपर भी इजीली चढ़ सकती है और वहीं पे चिपक के रह सकती है, ये वाले चेंजेस आए हैं। देन उसी हिसाब से स्नेक्स, तो स्नेक्स क्या हो, स्नेक्स के मसल्स, स्नेक्स जैसी ये लिजर्ड है, जैसी ये लिजर्ड है, देखिए आगे दो पैर है, पीछे दो पैर है ये लिजर्ड को, उसी तरह से स्नेक्स को भी पहले दो आगे पैर थे, दो पीछे पैर थे, स्नेक वॉज अ टाइप ऑफ लिजर्ड, लेकिन स्नेक में बाद में अडाप्टेशन आए, स्नेक्स ने दोनों आगे के पैर और दोनों पीछे के पैर, ये दोनों उसके कम हो गए, उसमें अडाप्टेशन आ गए और स्नेक सिर्फ क्रीप करने लग गया विद द हेल्प ऑफ मसल्स। तो ये हमको अडाप्टेशन हमको रेप्टाइल्स में दिखाई देते हैं। देन अडाप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स, अब एनिमल्स में
अडाप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स, तो एनिमल्स को फूड खाने के लिए कौन से अडाप्टेशन करने हैं, करने पड़े, देखिए वो पढ़ते हैं। वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स सच एज हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। तो हम हर्बीवोरस और कार्निवोरस ऐसे दो एनिमल्स कैटेगराइज करते हैं। तो हर्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया था। हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, घास को खाते हैं, जैसे डियर होती है, जिराफ होती है, बफेलो होती है, काऊ होती है। और कार्निवोरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे टाइगर, लायन, वुल्फ होता है, ये डियर को खाते हैं, बफेलो उसको खाते हैं, तो ये कार्निवोरस एनिमल्स है जो दूसरे मतलब मांस खाने, मांसाहारी एनिमल्स इसको हम कहेंगे। तो जैसे कार्निवोरस एनिमल्स है और हर्बीवोरस एनिमल्स है, इनमें भी फूड पाने के लिए अडाप्टेशन है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये पहले ही पढ़ लिया था कि जैसे टाइगर और लायन में, तो टाइगर और लायन के जो लेग्स है वो स्ट्रांग है, उनके टीथ और उनके जो नाखून है ये स्ट्रांग बन गए, वो जिस भी एनिमल की शिकार करते तो एक बार उसको पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं है आसानी से। उसी तरह से जो हर्बीवोरस एनिमल्स है, जैसे डियर्स है, जिराफ है, इनके जो लेग्स है स्ट्रांग्स है, और जब ये इनको शिकार होने से बचना है तो इनके अंदर भी अडाप्टेशन आए, तो ये जब दौड़ते हैं तो बहुत लॉन्ग जंप करते हुए दौड़ते हैं, इस तरह से अडाप्टेशन ये एनिमल्स में भी आया है। देन साथ में क्या बोला गया, वॉच द प्रोग्राम्स ऑन चैनल्स लाइक नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी टू लर्न अबाउट द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, स्नेक्स, बर्ड्स, मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाइज। तो जैसे आप लोगों को, जैसे हमारे चैनल्स, हमारे पास डिस्कवरी चैनल है, नेशनल ज्योग्राफिक ज्योग्राफिक चैनल है, इसके ऊपर आपको चेक करना है और आपको लर्न करना है वहाँ से कि ये जो एनिमल्स है, जैसे फ्रॉग्स है, स्नेक्स है, बर्ड्स है, मॉस्किटोज है, बटरफ्लाइज है, इनमें कौन से और अडाप्टेशन आए हैं फॉर फूड, तो ये आपको ऑब्जर्वेशन करना है इसके बारे में। देन अडाप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स। तो अडाप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग का मीनिंग क्या होता है, तो अडाप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग मीनिंग ऐसा होगा कि एनिमल्स का अडाप्टेशन ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, मतलब जो सराउंडिंग है उसके आसपास की जो भी सराउंडिंग है वो सराउंडिंग में वो मिक्स हो जाएगा, तो मिक्स हो जाएगा तो हमको ईजिली दिखाई नहीं देंगे, दैट इज़ ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग के साथ वो मैच हो जाएगा, तो सराउंडिंग में इस तरह से मैच हो जाएगा कि हमको कोई भी एनिमल ईजिली दिखाई नहीं देगा। देखिए तो देखिए आगे क्या लिखा है, वी कैन नॉट ईजिली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजर्ड्स एंड ग्रासहॉपर्स। तो ग्रासहॉपर आपको पता है, ग्रासहॉपर्स है, ग्रीस लिजर्ड्स है, बटरफ्लाइज है, अगर किसी ग्रास के अंदर छुपी हुई है, किसी ग्रास के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर छुपे हुए हैं, तो वो ईजिली हमको दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते, दे कैम गेट कैमाफ्लेज अमीज ग्रासेस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। तो दे गेट क्लैमाफेज, मतलब वो खुद को वो ढाल देते, खुद को में चेंजेस ला लेते, कौन से अमिड्स ग्रासेस, ग्रासेस में, तो ग्रासेस में है तो ग्रासेस का जो कलर होता है उस कलर में वो खो जाते हैं। देन दूसरा है, या फिर स्टेम का जो कलर है, लीव्स का जो कलर है, फ्लावर्स का कलर है, उस कलर्स, जिस टाइप के कलर्स होते हैं उस टाइप के कलर्स में वो एड एनिमल्स कलर, उस कलर में वो खो जाता है, तो इसलिए खो जाता है, मतलब वहाँ पे वो हाइड करके रखता है, हाइड करके मतलब खुद को छुपा के रखता है। तो जैसे आप लोगों ने देखी है ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर का कलर ग्रीन होता है, तो अगर वो ग्रास में चला गया, ग्रास भी ग्रीन कलर की है, ग्रास ऊपर भी ग्रीन कलर का है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैमाफ्लेज हो गए, एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, तो हमको ग्रास ऊपर ईजिली दिखाई नहीं देंगे। उसी तरह से ये बटरफ्लाइज, ब्लिजर्ड्स, ये भी स्टेम्स के साथ, लीव्स के साथ, फ्लावर्स के साथ, या फिर ग्रासेस के साथ बीच में यहाँ पे ऐसा कलर वो खुद का बना लेते हैं कि वो सराउंडिंग्स के में खो जाते हैं, और उन वो खोने के बाद वो कलर वो अपने सराउंडिंग्स के साथ मैच करते हैं। सराउंडिंग मतलब उसके आसपास का जो एरिया होता है, आसपास के जो फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस होती है, तो जिस तरह के वो प्लांट्स हैं उस तरह के वो कलर खुद का कलर बनाते हैं, इसलिए वो कैमाफ्लेज मतलब वहीं पे वो मिक्स हो जाते हैं, सराउंडिंग्स के साथ मिक्स हो जाते थे हम, तो फिर कोई भी एनिमल उनको, दूसरा एनिमल इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। दैट इज़ बिकॉज
देयर कलर्स ब्लेंड विद दोज ऑफ द सराउंडिंग. तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी एनिमल, दूसरा एनिमल उनको रिकग्नाइज नहीं कर पाता है, देख नहीं पाता इजिली, बिकॉज उनका कलर उनके जो सराउंडिंग्स के साथ है वो मिक्स हो जाता है. चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट एनिमल देम टू लीव फीड रिप्रोड्यूस टू परपिचुएट देमसेल्व्स एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज इन स्पेसिफिक सराउंडिंग्स डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस आर कॉल्ड अडाप्टेशंस. तो अडाप्टेशन की जो डेफिनेशन है वो स्टार्टिंग में हमने एक बार पढ़ा था और यहाँ पर भी और एक बार है. देखिए क्या है, फिर से बताता हूँ आपको अडाप्टेशन. तो देखिए क्या है अडाप्टेशन में हमको क्या क्या है. तो देखिए, चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन वेरियस ऑर्गन्स, चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन वेरियस ऑर्गन्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो क्या आ रहे हैं चेंजेस, आ रहे हैं किस में चेंजेस आ रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आ रहे हैं और ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रोसेसेस में चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, जिसके वजह से उनको एनेबल हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, हेल्प हो रही है. किस बारे में, टू लीव, जिंदा रहने के लिए, फीड करने के लिए मतलब खाना खाने के लिए, रिप्रोड्यूस टू परपिचुएट देमसेल्व्स. रिप्रोड्यूस टू परपिचुएट देमसेल्व्स मतलब उनकी जो जनरेशन है वो जिंदा रहेगी, एक के बाद एक, मतलब एक जनर, एक एनिमल आ गया फिर उसके बाद मेल और फीमेल जैसी है उसके जैसा ही दूसरा और एक एनिमल जिंदा, दूसरा और एक एनिमल रिप्रोड्यूस होगा, उससे न्यू एनिमल आएगा तो वो भी उनके जैसा ही दिखाई देगा. इसको हम कहेंगे रिप्रोड्यूस टू परपिचुएट देमसेल्व्स. ये जो है रिप्रोड्यूस टू परपिचुएट देमसेल्व्स फ्रॉम द एनिमल्स, और साथ में है डिपेंडिंग, साथ में उनको एनिमीज से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. किससे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, एनिमीज से, उसके खुद का, वो कोई भी एनिमल खुद का प्रोटेक्शन करना चाहिए खुद के जो उनके जो एनिमीज से, और साथ में डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन. साथ में उनकी जो हैबिटेट है और ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से उनके अंदर अडाप्टेशन आने चाहिए, उनके अंदर चेंजेस आने चाहिए. तो ये जो चेंजेस है, ये सब चेंजेस को हम क्या कहेंगे, अडाप्टेशन. देखिए फिर से पढ़ते हैं, चेंजेस डैस टेक्स प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट्स हो सकता है, एनिमल, ह्यूमन बींग हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके अंदर ऑर्गन में और उसके लाइफ प्रोसेसेस में, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ये जो लाइफ प्रोसेस है इसके अंदर चेंजेस आ गए और ये चेंजेस की वजह से उनको हेल्प हो रही है. किस बारे में, टू लीव, जिंदा रहने के लिए, फीड मतलब खाना खाने के लिए, रिप्रोड्यूस टू परपिचुएट देमसेल्व्स मतलब वो खुद को वो जिंदा रख पा रहे हैं बाय रिप्रोड्यूसिंग इट्सेल्फ, खुद को एक के बाद एक रिप्रोड्यूस करते जा रहे हैं, मतलब एक के बाद एक, जैसे जैसे डॉग से हमको डॉग ही मिलने वाला है, कैट से कैट ही मिलने वाली है, मतलब जो एनिमल खुद को रिप्रोड्यूस कर सकता है, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग खुद से एक न्यू एनिमल बना सकते हैं. तो ये है रिप्रोड्यूस टू परपिचुएट, देन उसके बाद है अब प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमीज, किसी भी एनिमीज से खुद को प्रोटेक्ट करना है. तो ये जो एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद के अंदर जो भी सराउंडिंग्स में खुद के अंदर जो चेंजेस आएंगे, तो खाना खाने के लिए, खुद को ज़िंदा रखने के लिए और खुद को एनिमीज से बचाने के लिए, खुद को ज़िंदा रखने के लिए, ये सब चीज़ें करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो चेंजेस आते हैं उस चेंजेस को हम कहते हैं अडाप्टेशंस. स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे. थैंक यू.